हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान का जो मानचित्र है उसके सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि नए नए संभाग कौन से हैं और नए जिले कौन से निर्मित हुए हैं। उन सभी के बारे में हम जानेंगे और किस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हुई, कितने जिले बने, कितने संभाग वर्तमान में हैं और कितने जिले वर्तमान में राजस्थान में स्थित हैं, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें मैप के जरिए, आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से संभाग राजस्थान में हैं। राजस्थान में है बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, पाली संभाग और जोधपुर संभाग। अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करें कि बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर सबसे ऊपर, फिर हनुमानगढ़, फिर आता है अनूपगढ़ और बीकानेर। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अगर सीकर संभाग में बात करें तो 4 जिले हैं सीकर में, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नया जिला बना है और सीकर। तो देखिए, चूरू झुंझुनू तो पहले ही जिले बने थे, नया जिला जो बना है वो बना है नीम का थाना। जयपुर संभाग में कितने हैं? जयपुर संभाग में है 7 जिले। कितने हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से 7 जिले? खैरदल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और दौसा। दोबारा सुनिए, खैरदल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और दौसा। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? डीग, भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो भरतपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। कौन कौन से? डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। अगर हम बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं अजमेर संभाग में 7 जिले? नागौर है, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा और ब्यावर। तो अजमेर संभाग के 7 जिले कौन कौन से हैं? नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा और ब्यावर। ये अजमेर संभाग के 7 जिले हैं। अब हम बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं कोटा संभाग में। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? बूंदी, कोटा, बारा, ये पुराने जिले हैं, नया और ये झालावाड़ भी जो है वो नया जिला, वो पुराना ही जिला है। तो कोटा संभाग में 4 जिले हो गए, बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़। अगर हम बात करें बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं? बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 3 जिले बांसवाड़ा संभाग में आते हैं। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर। देखिए, सलूम्बर नया जिला बना है, पहले तहसील थी, ये नया जिला निर्मित किया गया है। तो उदयपुर संभाग में 5 जिले कौन कौन से हो गए? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। और हम बात करें पाली संभाग में, पाली संभाग में पाली को नया संभाग बनाया गया है, ऐसे ही बांसवाड़ा को नया संभाग बनाया गया है। तो पाली संभाग में है सांचौर, जालौर, पाली और सिरोही। सांचौर नया जिला है, पहले तहसील थी सांचौर। और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर। तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर 2 जिले हो गए और फलौदी अलग हो गया, नया जिला बनाया फलौदी, पहले तहसील थी, और जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो कौन से संभाग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, एक तो जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं 7, दूसरा है अजमेर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं 7। तो जयपुर और अजमेर लगभग बीच में हैं और पास में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो जिले हैं, सर्वाधिक जिलों वाले जो संभाग हैं वो कौन कौन से हो गए? जयपुर संभाग और अजमेर संभाग, जिनमें 7-7 जिले हैं। सबसे न्यूनतम जिलों वाला जो संभाग है वह है बांसवाड़ा। इसमें कितने जिले हैं? सबसे न्यूनतम जो जिले हैं बांसवाड़ा में वो कितने हैं? 3 जिले हैं बांसवाड़ा में। और ऐसे उदयपुर में कितने हैं? 5 हैं। उदयपुर में कितने हैं? 5। भरतपुर में कितने हैं? 6। और 4 जिलों वाले संभाग, देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें जिले 4 हैं। तो एक तो पाली, दूसरा कोटा, तीसरा सीकर और चौथा बीकानेर। तो 4 ही संभाग ऐसे हैं
जिनमें चार चार जिले हैं, एक तो बीकानेर हो गया, सीकर हो गया, और कोटा संभाग हो गया, और पाली हो गया। तो ये चार संभाग ऐसे हैं जिनमें कितने जिले पाए जाते हैं, चार जिले पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हम राजस्थान के मैप पर सभी जिलों को याद रख सकते हैं। अगर हम संभाग व्यवस्था याद रख लेंगे तो जिले भी हमें याद हो जाएंगे कि कौन कौन सा जिला कहाँ पाया जाता है। तो हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिला जिले की स्थिति कहाँ पर है। संभाग याद रखिए, संभाग के अनुसार जिले याद रख लीजिए। तो अगर हम संभाग याद रख लेंगे तो हमें जिले भी याद हो जाएंगे। टोटल संभाग की बात करें कितने, तो देखिए टोटल संभाग बीकानेर, सीकर 2, जयपुर 3, भरतपुर 4, अजमेर 5, कोटा 6, बांसवाड़ा 7, उदयपुर 8, पाली 9 और जोधपुर 10। तो 10 पूरे संभाग हैं राजस्थान में। और अगर जिलों की बात करें तो 10 संभाग हो गए और जिले कितने हो गए राजस्थान में, 50 जिले राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करें, देखिए राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, अर्थात पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। विद्वान TH हेनले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की है। तो देखिए TH हेनले ने क्या बताया था, रोम्बस प्रकार की बताया था। राजस्थान भारत के कुल भूभाग का 10.41% भाग रखता है। कितना भाग रखता है, 10.41% भाग रखता है। ये प्रश्न नॉर्मली परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि राजस्थान भारत के जो हिस्सा है, भौगोलिक हिस्सा है, उसका कितना हिस्सा रखता है। तो राजस्थान 10.41% हिस्सा रखता है और राजस्थान भारत के सबसे बड़ा राज्य है, राज्य भी है। आगे हम बात करें तो रामलवाया कमेटी की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग और 19 जिले बनाने की घोषणा की। कितने संभाग, 17 मार्च 2023 को 3 संभाग बने और 19 जिले बनाए। 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने नवीन जिले और संभाग बनाने की स्वीकृति दी। 4 अगस्त को, 5 अगस्त को राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग की अधिसूचना जारी हुई और 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के नवीनतम जिलों और संभाग का उद्घाटन किया गया। अब राजस्थान में 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं और यह अधिसूचना कब से प्रभावी है, 7 अगस्त से यह अधिसूचना क्या है, प्रभावी है। तो 7 अगस्त 2023 के बाद राजस्थान में कितने जिले हो गए, 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, रामलवाया समिति की सिफारिश पर। अधिसूचना कब जारी हुई है, अधिसूचना 5 अगस्त को जारी हुई है। कैबिनेट ने स्वीकृति कब दी है, 4 अगस्त को दी है। और मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा कब करी थी, तो 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें कि प्रशासनिक तौर और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित संभाग, यानी ऐसा कौन सा संभाग है जो न तो प्रशासनिक रूप से बदला न ही भौगोलिक रूप से बदला, तो वह है कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है, कोटा संभाग, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिले, यानी ऐसे जिले जो न तो प्रशासनिक तौर पर बदले और न ही भौगोलिक तौर पर बदले, तो वो उन जिलों की संख्या कितनी हो गई, 14। कितनी हो गई, 14। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने, 5 हैं, पहले 4 हुआ करते थे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। तो उसमें जो पहले 4 थे उसमें एक जोड़ना है बस, पांचवा अनूपगढ़। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हो गए, 5 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्य बनाते हैं, पहले भी 2 ही थे, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। ये पहले भी यही दोनों जिले थे। दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले 4 हैं। डीग बनाता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ। बांसवाड़ा बनाता है MP और गुजरात के साथ। और धौलपुर बनाता है उत्तर प्रदेश और MP के साथ। और हनुमानगढ़ बनाता है हरियाणा और पंजाब के साथ, हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले जो केवल अंतरराज्य सीमा बनाते हैं वह हैं 25। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले वह हैं 28। और अंतरवर्ती जिले कितने हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, वह हैं 22। वह है 22। तो इस तरह से देखिए राजस्थान के मैप की हम जिलों को याद रख सकते हैं, संभाग का पता कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले। तो राजस्थान भूगोल का जो पहला जो चैप्टर है, राजस्थान का परिचय, तो राजस्थान का परिचय वाला जो चैप्टर है, इतना यदि हम पढ़ेंगे तो राजस्थान का जो परिचय है हम आसानी से पता कर सकते हैं कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं, कितने अंतर्वर्ती जिले हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं, अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले हैं,
इन सभी के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।